قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يجمعون. जब आप इन्हें देख लें तो इनके जिसम आपको खुशनुमा मालूम होंगे मुनाफिक अपने जुस्से की बड़ी फिक्र होती है जिसम की और चेहरे की मोहरे की उसकी तरफ इशारा ये जब बातें करने लगे तो आप इनकी बातों पर अपना कान लगाएं यानी जब बातें करते हैं तो ऐसी मीठी बातें कि अल्लाह के, के नबी को लगता था कि अब्दुल्ला बिन अबई से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है गोया कि ये लकड़ियां हैं दीवार के सहारे लगाई हुई हर सख्त आवाज को अपने ख़िलाफ़ जानते हैं यही है हकी दुश्मन इन इनसे बचिए अल्लाह इन्हें गारत करे कहाँ से फिरे जाते हो हाई लाइट करें शायद को मुनाफिक को सूखी लकड़ी जो दीवार पर पैनलिंग के तौर पर लगाई जाती है उससे दिया गया तश्वी हालांकि तेरवें पारे में आप पढ़ चुके हैं सूरत इब्राहिम में के मोमिन को एक दरख्त से तशबी दी गई अलम तर तो कैफ़ा दब अल्लाखु मसल कलीम कल तयीबन का शजरत तजीबा तकबुल दिखिएगा मोमिन एक सरसब दरख्त है मुनाफिक के कटी हुई लकड़ी है देखिए पानी पड़ता है ना तो दरख्त हरा होता है सब्ज़ा आता है पत्ते फल फूल आते हैं मोमिन कुरान सुनता है ना तो उसके दिल में ये सब कुछ हो रहा है मुनाफिक के ऊपर जब कुरान का पानी पड़ता है तो वो फूल जाता है लकड़ी की तरह आप देखिए कि ये इतनी बड़ी मिसाल है ना मैंने जब पहली दफ़ा इसको सुना तो मुझे ऐसे लगा कि एक चक्कर आ गया नम खुशबू मुसन्ना आराम कोश ऐश कोश हैं टेक लगाए बैठे हैं और समझते हैं कि कुरान का पानी अंदर जा रहा है ये नहीं होता तो मुनाफिक कुरान सुनकर और फूलता है लकड़ी फूल जाती है ना पानी में गीली लकड़ियाँ तो मुनाफी कुरान में से सिर्फ़ वो चीज़ें चुन रहा होता है जो इख्तलाफ़ी हों और दूसरों को फितनों में डालने वाली इसके बरस मोमिन कुरान से जुड़ा हुआ है माशाला आप कितने साल से दरख्तों के जुड़े में हैं ना मैं स्टूडेंट्स को क्रेडिट दूंगी कि जो जुड़े पड़े हैं दरख्त की तरह ज़मीन में खुदे में आज तक उन्होंने अपने आप को तालबिली से उबर नहीं समझा और अगर साथ काम भी करते हैं तो सबसे पहला फॉर्म उनका ही होता है उस काम फॉर्म में लेकिन वो इस कर्न को हर साल अपने दिल की सब्ज़े पर लेते हैं मुनाफी कटा होता है फॉर्म नहीं फिल करना रजिस्ट्रेशन नहीं करनी फ़ायदा तो उठाना है सुनना तो बहुत है लेना तो बहुत है लेकिन कोई कमिटमेंट फॉर्म फिल नहीं करना हम काम करेंगे फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो ऐसे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता ऐसा शख्स जो कुरान को इतने डिफेंसिव वे में सुने उसको क्या लगता है कुरान की आयतों को सुनकर हर सख्त आवाज़ को अपने ख़िलाफ़ समझते हैं हर बात सुनते हैं उनको लगता है ये हमारी बातें हो रही हैं अल्लाह कहते नहीं हक़ीकी यही हकी, यही हकीकी दुश्मन है इनसे बचो अल्लाह तैयार इनको गारत करे कहाँ से फिरे जाते हैं और जब इनसे कहा जाता है आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तफ़ार करें कोई दोस्त साथी समझाता है कि छोड़ो ये बातें पलट आओ कोई बात नहीं अल्लाह के नबी बहुत सॉफ्ट हैं देखना तुम्हें माफ़ कर देंगे तो क्या करते हैं ये लोग रिस्पॉन्स में तो अपने सर मटकाते हैं और आप देखेंगे वो तकबर करते हुए रुक जाते हैं हम आएँ वापस आएँ ये नहीं हो सकता इम्पॉसिबल इनके हक में आपका इस्फार करना और ना करना दोनों बराबर है यानी ऐसे लोगों को फिर नबी की दुआएं नहीं लगती रसूल की दुआएं कहाँ लगेंगी और कहा इनको फिर बड़ों की दुआएं लगेंगी अल्लाह तला इन्हें हरगिज ना बख्शेगा बेशक अल्लाह ताली ऐसे नफरमंद लोगों को हिदायत नहीं देता यही वो हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूल के पास है इन पर कुछ खर्च ना करो नोट कीजिएगा खुद तो करते नहीं दूसरों को भी रोकते हैं आप ना करा करें खर्च आप कितना वक्त देते हैं आप क्यों मान लगाते आप फीस क्यों देते हैं ये टोन थी उनकी क्यों ना करो क्योंकि अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीना में आए थे ना तो अब्दुल्ला बिन नबई अपने लोगों को एक मशवरा दे रहा है कि देखो ये तो मदीना के लोग ही नहीं थे बाहर से आए हुए हैं ज़रा इनको सपोर्ट करना छोड़ो खुद ही बिखर जाएंगे कोई इनको वीज़े लगवा कर देने की ज़रूरत नहीं और कोई इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं इस टोन के साथ सुनिएगा यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूल अलैहि वसल्लम के पास हैं यानी महाजरीन इन पर कुछ मत खर्च करो यानी इनको भाई बनाकर अपने घरों में ना लाओ यहाँ तक कि वो खुद ही इधर उधर हो जाए दे कैंड सर्वाइव इनको मत सेटल डाउन होने दो इधर और ये समझ ही ना सके कि और आसमान और भी के ख़ज़ाने अल्लाह की मलकियत हैं यानी ये नहीं सपोर्ट कर रहे अल्लाह सपोर्ट करता है इनको लेकिन ये मुनाफिक बेसमझ है ये कहते हैं अगर हम अब लौट कर मदीने जाएंगे तो इज़्ज़त वाला वहाँ से ज़िल्त वालों को निकाल देगा ये अब्दुल्ला बिन नबई का जुमला था जिसने गज़ा बन मुस्तलक़ की वापसी पर बोला सुनो इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और इसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए लेकिन ये मुनाफिक नहीं जानते तो ही ने का मरतखब था ये शख्स